हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर्स एंड यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स को चाहिए होते हैं थ्री ऑपरेंड्स, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो इस ऑपरेटर को हम लोग सिग्निफाई करते हैं यूजिंग अ क्वेश्चन मार्क एंड देन कोलन। इसका सिंटेक्स अगर आप देखें तो ये कहता है कि फर्स्ट यू हैव टू राइट अ कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है इन दैट केस दिस फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है इन दैट केस दिस स्टेटमेंट टू विल बी एग्जीक्यूटेड। मींस इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया एंड सी इज इक्वल्स टू ए में एक वैल्यू थी 10 और बी में एक वैल्यू थी 8। हमने चेक किया ए इज़ लेस देन बी। सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी 10 इज़ लेस देन 8। बताइए ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये कंडीशन फॉल्स है। तो क्या कहा हमने कि जब अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो ये सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, बी की एक वैल्यू है दैट इज़ 8, उसको असाइन कर रहा है सी में। तो सी में हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, और ये टर्नरी ऑपरेटर जो हम अभी इफ़ एल्स पढ़ने वाले हैं उसी को ही रिप्रेजेंट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस टर्नरी ऑपरेटर। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। ए इज़ इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 8। ए इज़ इक्वल्स टू बी, तो उस केस में हम लोग क्या करें, जस्ट प्रिंट एफ करेक्ट, और अगर ये कंडीशन फॉल्स निकलती है तो उस केस में हम लोग रॉन्ग प्रिंट करवा दें। और इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें प्रिंट करके देगा वैल्यू। तो चेक होगा 10 इज इक्वल्स टू 8 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो यानी कि हमारे पास रॉन्ग प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारे पास होता है ये वाली कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर कुछ ये कंडीशन मैंने लगाई होती तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है 10 इज़ ग्रेटर देन 8 है, तो उस केस में हमारे पास करेक्ट प्रिंट हो जाता। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप जो है केवल कुछ प्रिंट करवा सकते हो या फिर केवल एक वेरिएबल दे सकते हो, आप यहाँ पे पूरे पूरे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवा सकते हो, पूरा एक जो आप कह सकते हो एक पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने किया इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न करें, ए प्लस बी को रिटर्न करें, अदरवाइज ए माइनस बी को रिटर्न करें, इस तरीके से भी कर सकते हो। और इंट सी में हमने इसकी वैल्यू ले ली, तो चेक किया इसने 10 इज़ ग्रेटर देन 8, कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। a प्लस बी कितना हुआ 18, तो c में 18 की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ये क्या होता है, हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है। जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कम है, तो उस केस में उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स का। तो यहाँ देखिए जस्ट हमने क्या किया है, एक कंडीशन ये चेक की है a इज़ इक्वल्स टू b, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास b की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। सो लेट्स चेक द आउटपुट, तो आउटपुट में हमारे पास 9 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यूनरी ऑपरेटर की। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यूनरी ऑपरेटर्स की। यूनरी ऑपरेटर्स में चार ऑपरेटर्स आते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, साइज ऑफ एंड अनिगेशन या फिर नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर मैंने आपको यहाँ पर लॉजिकल में बता दिया था, तो यहाँ मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ। साइज ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर एक फंक्शन है ये, जो कि सिंगल ऑपरेंड लेता है और जो भी उसका साइज होता है, जो भी वो मेमोरी में साइज ले रहा होता है वो रिटर्न करता है। ये हम पढ़ भी चुके हैं वैसे। आपने एक मान लीजिए इंट एक वेरिएबल जो है इनिशलाइज किया है 10, अब आप चेक कर रहे हो साइज ऑफ ए की, तो वो आपको क्या वैल्यू प्रिंट करके देगा, 4 रिटर्न करेगा ये आपको। आपने लिया है यहाँ पर मान लीजिए डबल टाइप का एक वेरिएबल, डबल डी इज इक्वल्स टू 8, तो ये अगर आप लगाते हो साइज ऑफ डी तो ये आपको रिटर्न करेगा कितना, 8। बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है, साइज ऑफ फंक्शन या साइज ऑफ ऑपरेटर, द साइज ऑफ द वेरिएबल जो कि वो मेमोरी में ले रहा है, कितने बाइट्स वो मेमोरी में ले रहा है, ये आपको रिटर्न करता है वैल्यू बाइट्स में, 4 bytes। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और थोड़े से ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना, बस इतना समझ लो। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो इसमें दो आते हैं हमारे पास, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब है कोई भी एक मान लीजिए ऑपरेंड है, तो दिस इज पोस्ट ऑपरेटर और ये है प्री ऑपरेटर।
प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब ऑपरेंड के बाद अगर आप इस साइन का यूज़ कर रहे हैं तो दैट विल बिकम द पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और अगर आप ऑपरेंड से पहले यूज़ कर रहे हैं इस साइन का तो इट विल बिकम द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कैसे काम करते हैं ये, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, पहले समझते हैं किसको, इन दोनों को हम लोग साथ में समझते चलेंगे ताकि हमें जो डिफ्रेंसेज हैं वो हमें क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए इंट ए इज इक्वल्स टू हमारे पास 10 है, मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल लिया है मैंने इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस प्लस, और उसके बाद जस्ट मैंने वैल्यू प्रिंट करवाई है किसकी, सी की। मैंने यहाँ पे परसेंटाइल डी नहीं लगाया है, अब आपको इतना भी याद हो गया होगा कि कभी भी आप किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाते हो तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना होता है, तो जस्ट आई एम राइटिंग दिस इन अ शॉर्टकट फॉर्म, तो वो चीज़ आप खुद से लिखेंगे। एंड ऐसे ही यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं सी और प्लस प्लस ए, एंड देन मैं यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ वैल्यू ऑफ सी, तो क्या आउटपुट आना चाहिए पहले आप सोचिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट की। पोस्ट इंक्रीमेंट का मीनिंग है इस स्टेटमेंट को ये दो स्टेटमेंट्स में एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले असाइन करेगा सी में ए की वैल्यू और उसके बाद ए की वैल्यू को ये इंक्रीमेंट करेगा बाय वन। मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, सी में हमारे पास ए की वैल्यू असाइन हो रही है तो ए की वैल्यू कितनी है 10 है, तो सी की वैल्यू आएगी 10 और उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी बन जाएगी अब 11। तो अगर आप प्रिंट एफ सी करते हैं एंड प्रिंट एफ ए करवाते हैं तो आपके पास ए की वैल्यू प्रिंट होगी 11 और सी की वैल्यू प्रिंट होगी 10। इसको हैंड टू हैंड एग्जीक्यूट करते हैं और मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू कितना लिया था 10 लिया था, ठीक है, और एक हमने वेरिएबल लिया था सी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सी में ए प्लस प्लस की वैल्यू मैंने असाइन की है एंड देन उसके बाद इन दोनों की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। सो लेट्स चेक द आउटपुट, ए इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू कॉमा ए कॉमा सी। देखते हैं क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, हमारे अकॉर्डिंग आया है आउटपुट ए की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू 10। तो देखिए ए की वैल्यू 11 आई है हमारे पास और सी की वैल्यू 10 आई है। अब ये वाला देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में स्टेप वन होता है हमारे पास, सबसे पहले ए की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड देन वो वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे ए में। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप ए और सी की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो ए की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई 11 और सी में फिर ए की अपडेटेड वैल्यू जा रही है तो यानी कि सी की वैल्यू भी कितनी आएगी हमारे पास 11 आएगी। सो मैं आपको एक बार पहले इसे चेक करवा देती हूँ फिर मैं आपको और डिटेल में बताऊँगी। कंट्रोल एस किया हमने, ये देखो 11 और 11 हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। मैं इनके आपको स्टेप्स लिखती हूँ, आपको फिर याद रहेंगे ये स्टेप्स और आप भी लिखेंगे इन्हें अपने पास। पोस्ट इंक्रीमेंट अगर आप कर रहे हैं लाइक दिस, तो स्टेप वन में क्या होगा, सी में ए की वैल्यू असाइन होगी एंड देन स्टेप टू में क्या होगा, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ऐसे ही अगर आप प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो स्टेप वन में ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी एंड देन स्टेप टू में ए की वैल्यू सी में असाइन की जाएगी। मीन्स उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट का मतलब है बाद में, सबसे पहले ए की वैल्यू असाइन कर दी जाती है सी में एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है, सबसे पहले वो इंक्रीमेंट कर रहा है तो हमने वही किया, सबसे पहले इंक्रीमेंट किया वैल्यू को एंड देन फिर हमने उसको असाइन किया। एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके, अब हम लोग देखिए क्या होगा। सबसे पहले ए में क्या वैल्यू है 1 और बी में क्या वैल्यू है 2। अब हम सी में कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो भी बी की, बट यहाँ पर क्या है प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट के केस में मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है सबसे पहले उस ऑपरेंड की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज होगी तो बी की वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी एंड देन वो अपडेटेड वैल्यू असाइन की जाएगी सी में, तो सी में क्या वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पहुंचा, अब इसने यूज़ किया है पोस्ट इंक्रीमेंट का ए पर, ए की वैल्यू पर, ए की वैल्यू 1 है हमारे पास। तो पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में क्या होता है, सबसे पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी
तो डी में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वन। ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वन थी। एंड देन उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, तो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी, टू। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू सी प्लस प्लस लिखते हैं। केवल सी प्लस प्लस का मीनिंग अभी हम एक दो क्वेश्चंस के बाद समझेंगे। तो हमने क्या किया, इक्वल्स टू सी प्लस प्लस किया है, तो सी की वैल्यू पहले असाइन हो जाएगी ई में, तो सी की वैल्यू कितनी है, थ्री है, तो ई में कितनी वैल्यू आ गई, थ्री। एंड देन उसके बाद सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो ये कितनी हो गई हमारे पास, फोर। तो हमारे पास फाइनल ए की वैल्यू आई है टू, बी थ्री, सी फोर, डी वन एंड ई की वैल्यू आई हमारे पास थ्री। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेना, सेम आउटपुट आपके पास आएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप ये समझ सकते हो, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है ये, बट बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास है ए, इसमें वैल्यू है फोर, बी है एक वैल्यू जिसमें फाइव है, एंड एक वेरिएबल है सी जिसकी वैल्यू सिक्स है। तो सबसे पहले डी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस हमने किया है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहली वैल्यू असाइन हो जाती है, तो ए की वैल्यू डी में चली जाएगी। ए की वैल्यू फोर है, तो डी में कितना आ गया, फोर आ गया। एंड देन उसके बाद ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, तो फोर कितना हो जाएगा यहाँ पर, फाइव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, सी प्लस प्लस की वैल्यू एफ में गई है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो सबसे पहले वैल्यू असाइन होगी, तो सी की वैल्यू एफ में जाएगी। सी की वैल्यू सिक्स है, तो एफ में कितनी वैल्यू आ गई, सिक्स। एंड देन उसके बाद सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय वन, तो ये कितनी हो जाएगी, सेवन। उसके बाद हमने बी में एफ की वैल्यू को असाइन किया है, एफ की वैल्यू कितनी है, सिक्स है, तो ये हम बी में असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। एफ की वैल्यू यहाँ पर असाइन की गई है। उसके बाद ए प्लस प्लस को एफ में रखा गया है, तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू एफ में जाएगी, ए की अपडेटेड वैल्यू कितनी है, फाइव है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। एंड देन उसके बाद ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया है, ए की वैल्यू फाइव है, तो इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। कितना सिंपल है, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना है और कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में अभी केवल पोस्ट इंक्रीमेंट बताया है हमने, यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट के क्वेश्चन इसमें लगा देते हैं सेम में। प्लस प्लस बी की वैल्यू को मैं असाइन कर देती हूँ डी में, तो क्या आता है देखिए, प्लस प्लस बी है, मतलब पहले बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी, सेवन। एंड देन उसके बाद ये अपडेटेड वैल्यू को असाइन किया जाएगा डी में, तो बी की वैल्यू सेवन है, तो डी में यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ हैं, ए की सिक्स, बी सेवन, सी सेवन, डी सेवन एंड एफ फाइव। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी आप जब रन करेंगे इनको, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू को एक्सपेरिमेंट कीजिए, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं दो स्टेटमेंट्स और ऐड करती हूँ। मैंने ऐड किया यहाँ पर f प्लस प्लस, एंड देन उसके बाद c में मैंने f की वैल्यू को असाइन किया है, तो सोचिए क्या होगा यहाँ पर। सबसे पहले क्या हुआ है, f प्लस प्लस, बट हम इसकी वैल्यू को कहीं पर भी असाइन नहीं कर रहे हैं, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट f की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय वन, तो f की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगी, फाइव थी, सिक्स हो जाएगी। अब f की वैल्यू को हम लोग c में असाइन कर रहे हैं, तो c में कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सिक्स आ जाएगी यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट अगर आप देखो, तो ये इसी के इक्वल है, सी इक्वल्स टू एफ प्लस प्लस। ये दोनों स्टेटमेंट्स मिला के सी इक्वल्स टू एफ प्लस प्लस के ही इक्वलेंट है। अभी मैं इसमें दो स्टेटमेंट्स और ऐड करती हूँ फर्दर। हमने क्या किया, अब सी प्लस प्लस किया केवल, एंड देन उसके बाद हमने डी में असाइन की है वैल्यू प्लस प्लस सी की, इन्हीं अपडेटेड वैल्यूज़ में। तो सबसे पहले सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू अभी कितनी है, सिक्स है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, बट किसी में हमने वैल्यू का साइन नहीं किया है, तो हमें वो दो स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जस्ट क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय वन, तो यहाँ पर तो सिक्स वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, सेवन हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट लगाया है प्लस प्लस सी, तो क्या होगा देखो, पहले सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी एंड देन उसके बाद डी में असाइन होगी, तो सी की वैल्यू कितनी है, सेवन है, तो इंक्रीमेंट होगी कितनी हो गई, एट। एंड देन डी में हमने क्या वैल्यू असाइन की है, एट। तो ये हमारे पास फाइनल आउटपुट्स आए हैं। तो हम क्या करती हूँ, मैं जल्दी से इसे लिखती हूँ सी में और फिर देखते हैं कि हमारे पास यही आउटपुट्स आते हैं या नहीं। तो ये देखिए, मैंने सेम प्रोग्राम लिख लिया है और मैं इसको करती हूँ और एग्जीक्यूट। तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज़ आई हैं, मैच करते हैं। ए की वैल्यू सिक्स है, बी की सेवन है,
सी की 8 वैल्यू आई है, डी की भी 8 वैल्यू आई है और एफ़ की भी हमारे पास 6 वैल्यू आई है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट कैसे काम करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो लेट सपोज ए इज इक्वल्स टू 7 एंड सी इक्वल्स टू ए माइनस माइनस, दैट इज पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एंड देन सी एंड ए की वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। ये सही फॉर्मेट नहीं है प्रिंट करवाने का, बट अगर आप इस लेक्चर तक आ चुके हैं दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट एफ का सही फॉर्मेट क्या होता है। बट शॉर्टकट के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पर। सेम हम लोग क्या करेंगे, इंट इक्वल्स टू 7 एंड सी इक्वल्स टू माइनस माइनस ए निकालेंगे एंड देन सी और ए की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए पोस्ट डिक्रीमेंट के केस में फर्स्ट स्टेप क्या होता था, वैल्यू असाइन की जाती थी। तो वैल्यू असाइन होगी तो सी की वैल्यू तो क्या हो गई हमारे पास 7 हो गई, सी की वैल्यू क्या हो गई 7 और ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7 थी ऑलरेडी जो थी हमारे पास। तो सी में ए की वैल्यू पहले असाइन हुई है तो सी की वैल्यू 7 हो गई। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ए की वैल्यू डिक्रीमेंट की जाएगी बाय 1। तो ए की ऑलरेडी वैल्यू कितनी है 7, तो डिक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी 6। अब जब आप इनकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या प्रिंट होगी 7 और ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 6। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री डिक्रीमेंट के केस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले वैल्यू डिक्रीमेंट होती है। तो अभी हमारे पास क्या है, सी में कुछ भी नहीं है और ए में हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर है मेमोरी में 7। तो सबसे पहले ए की वैल्यू डिक्रीज हुई बाय 1 तो कितनी हो जाएगी 6। एंड देन सेकेंड स्टेप में अब जो ये अपडेटेड वैल्यू है वो असाइन की जाएगी किस में, सी में। तो सी में हमारे पास अपडेटेड वैल्यू कितनी है ए की 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो इसलिए जब आप प्रिंट करवाएंगे वैल्यूज तो सी की वैल्यू 6 प्रिंट होगी एंड ए की वैल्यू भी क्या प्रिंट होगी 6 होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है एंड देन हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं सी में ए माइनस माइनस एंड देन डी में हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं सी प्लस प्लस एंड देन ई में हम लोग माइनस कैलकुलेट करना चाहते हैं माइनस माइनस बी एंड देन एफ में हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं प्लस प्लस ई। जल्दी से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारे पास ए में कितनी वैल्यू है 1 है और बी में अभी कितनी वैल्यू है हमारे पास मेमोरी में 2। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट आएगा, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, दैट मींस सबसे पहले सी में ए की वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। तो ए की वैल्यू अभी कितनी है 1 है, तो सी की वैल्यू भी क्या हो गई है 1 हो गई है। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ए की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0। ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इस स्टेटमेंट की बात करते हैं, सी प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले सी की वैल्यू को असाइन किया जाएगा डी में। तो सी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो डी में भी कितनी वैल्यू आ गई 1 आ गई। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सी की वैल्यू को प्लस 1 इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो प्लस 1 करके कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, ई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस बी, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री डिक्रीमेंट के केस में क्या होता है, सबसे पहले वैल्यू डिक्रीज होगी बाय 1, तो बी की वैल्यू अभी कितनी है 2, बाय 1 डिक्रीज हो गई तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 1। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब जो अपडेटेड वैल्यू है 1 बी की उसको असाइन कर दिया जाएगा ई में। तो ई में हमारे पास बी की अपडेटेड वैल्यू कितनी है 1, तो ई में हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। लास्ट स्टेटमेंट पर आते हैं, प्लस प्लस ई, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्लस प्लस ई। तो ई की जो भी वैल्यू प्री, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है दैट मीन्स पहले वैल्यू इंक्रीज होगी ई की बाय 1, ई की वैल्यू 1 है तो बाय 1 इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी 2। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ई की जो भी अपडेटेड वैल्यू है वो एफ में असाइन कर दी जाएगी। तो ई की अपडेटेड वैल्यू कितनी है 2, तो एफ की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो हमारे पास ए की फाइनल वैल्यू कितनी है 0, बी की 1, सी 2, डी की वैल्यू है 1, ई की 2 एंड एफ की वैल्यू है हमारे पास फाइनल 2। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। तो हम लोग सभी ऑपरेटर्स यहाँ पर पढ़ चुके हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और बताने से रहती थी, रिलेशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। बहुत जगह पर आपको इनका नाम कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी मिलेगा, मतलब इस चीज़ से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है।
तो ये सभी ऑपरेटर्स हम लोग कवर कर चुके हैं कि किस तरह से काम करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इनका प्रेसिडेंस क्या होता है एंड देन एसोसिएटिविटी क्या होती है एंड देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो स्टे ट्यून्ड।